में अब अन्य प्रखंड के बच्चे भी आकर खगोलीय विद्या का ज्ञान सीखेंगे तथा साइंस टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। आप सब जो मेरे पार्टनर हैं, वो लोग जो यहाँ के बच्चे हैं उनको इतना प्रशिक्षित करें कि जो दूसरे विद्यालय के बच्चे यहाँ आएंगे उनको गाइड करें तथा उनको बताएं। जिले में कोई खगोलीय विद्या की पढ़ाई के लिए किसी तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन तिलौथों में स्पेस लैब के उद्घाटन से यहाँ के बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। बिहार ऐसा पहला केंद्र है जहाँ पर खगोल की विद्या पूर्व से ही दी जाती है। बिहार में पटना के बगल में दानापुर के पास जो खगोल है वहाँ लोग खगोलीय विद्या पढ़ने के लिए जाते थे। उसी तरह से बिहार के तरेगना में किसी भी तरह का खगोलीय इवेंट होता है तो वहां हम सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। पूरे जिले के बच्चे अब तिलौथों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आएंगे और यहां के अंतरिक्ष प्रयोगशाला में जो स्पेस लैब के नाम दिया गया है इसमें साइंस टेक्नोलॉजी व अंतरिक्ष विद्या इत्यादि की पढ़ाई करेंगे। आज हम सब साइंस टेक्नोलॉजी में अमेरिका और रूस को भी पीछे छोड़ चुके हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण अभी हाल में आप लोगों को देखने को मिला है चंद्रयान के रूप में। मैं चाहूँगा कि यहाँ के बच्चे एक अच्छा साइंटिस्ट बने। पहले घर में मां स्वेटर बनाती थी, फिर मशीन का उपयोग किया गया और आज अब ऐसा प्रोग्रामिंग तैयार किया जाता है कि बटन दबाते ही सब कुछ प्रिंट होकर बाहर आ जाता है। हमें यह बताना होगा कि इसका मूल सिद्धांत क्या है, यह कैसे बनता है, इसका प्रयोग कैसे होता है। हम इन्हीं बच्चों में से किसी को गाइड करेंगे और उनको वैसा बनाएंगे कि वो दूसरे बच्चों को भी गाइड करे। हम बचपन से ये सोचते हैं कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, आकाश और ये तारे क्या है, इसे जानने की जिज्ञासा रहती है, तो इसकी जानकारी बच्चों को अब मिलेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि जिले के सभी अनुमंडल में एक विद्यालय का चयन कर एक स्पेस लैब को खोला जाए ताकि बच्चे साइंस की पढ़ाई में निपुण हो सके। उक्त बातें तिलौथों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्पेस लैब के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे डीएम नवीन कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि यहां पर ग्लोबल अंतरिक्ष का एक मॉडल लैब के रूप में स्थापित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देता हूं। अभी यह रोहतास जिले का पहला मॉडल लैब है। मेरा प्रयास हुआ कि कम से कम हर अनुमंडल में इस तरह का एक एक लैब हो जहां पर अन्य प्रखंडों के बच्चे आकर खगोलीय गतिविधियों का अध्ययन कर सके। इसके अलावा रोबोटिक माध्यम से काम होता है या कोई मशीन बनाना हो या प्रिंटिंग करना हो तो यह सब कैसे काम करते हैं, इससे जिज्ञासा भरी चीज़ों को भी पढ़ाया जाए। वहीं DDC शेखर आनंद ने कहा कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी और जो भी नई टेक्नोलॉजी जो अभी दुनिया में आने वाले हैं या आ चुके हैं उनका एक एक्सपोजर यहां दिखाने को मिले, ऐसी व्यवस्था यहां करनी है। मशीन किस दृष्टि से काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, इस चीज़ की ललक लालसा छात्रों के अंदर इन चीज़ों को भी फॉर्मल एजुकेशन में शामिल करना आज के समय में आवश्यक है। एक बेस्ट साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम का मतलब कम से कम काफ़ी अच्छा आउटपुट देना होता है, जिसे कम उम्र में बताना अब ज़रूरी हो गया है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने भी संबोधित किया। जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों का अभिवादन प्रभारी प्रधानाचार्य मैकू राम ने की। स्कूल की छात्राओं ने स्वागतम गीत गाकर अतिथियों का स्वागत किया। DM व अन्य अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रिसर्चर पूजा कुमारी को अधिकारियों ने इस स्पेस लैब के निर्माण में बेहतर योगदान के लिए सराहना की। इस मौके पर SDM अनिल कुमार सिन्हा, BDO संजय कुमार समेत जिले के सभी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक व शिक्षक भी मौजूद थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमारे BDO CEO, लकड़ियों को जोड़ने के लिए फेविकोल आया, प्लास्टिक को जोड़ने के लिए फेविक्विक आया और लोगों को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का इजाद किया गया। बस फर्क इतना है कि सोशल मीडिया ने डिजिटली तो लोगों को जोड़ दिया पर वास्तविक दूरियां बढ़ा दी। वो एक नाटक है जिसका शीर्षक सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर बहुत हद तक असर करती है।